सुमेरपुर में चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत नुक्कड़ नाटक और लोकगीत के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह राणावत ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मुख्य चौराहों पर नुक्कड़ नाटक और लोकगीत के जरिए मतदान का महत्व बताया जा रहा है। आगामी 26 अप्रैल को पाली जिले के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सुमेरपुर में हो या तगड़गढ़ हो या ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तगड़गढ़ में भी आज नुक्कड़ नाटक और लोकगीतों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया है और नगर पालिका प्रशासन द्वारा जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर मतदाता को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत विधानसभा चुनाव में पाली जिले का सुमेरपुर में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत कम हुई थी, उसको लेकर भी इस बार प्रशासन ने फुल तैयारियां की है कि मत प्रतिशत कैसे बढ़े, उसको लेकर प्रशासन मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाता को जागरूक किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है, जिले भर में कई जगह कार्रवाई भी देखी जा रही है, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में कोई असामाजिक तत्वों द्वारा कोई ऐसी भ्रमता न फैलाए, जिसके कारण पुलिस प्रशासन कार्रवाई की जा रही है। सुमेरपुर हो या तगड़गढ़ हो या सांडेरा हो, जगह जगह चौकियां लगाकर आने जाने वाले वाहन को सैकिंग कर उसकी जांच की जा रही है, उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में घर घर मत प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर भी बुजुर्ग लोगों को घर घर जाकर होम वोटिंग की भी करवाए जा रहे हैं, उसकी भी तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही है। लेकिन इस बार प्रशासन को मत का प्रयोग के लिए मतदाता को करने के लिए भी उनको भी आज पुलिस विभाग ने मत का प्रयोग किया है। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेरपुर।